बीते 18 नवंबर को बेलीपार थाना क्षेत्र में कैलाश मानस पेट्रोल पंप मरौली के मैनेजर से बदमाशों ने लूटपाट कर घटना को अंजाम दिया था, जिसका आज पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने खुलासा किया है। पेट्रोल पंप मैनेजर को बदमाशों ने गोली मारकर 11,22,000 रुपए की लूट की थी। घटना में शामिल 4 अभियुक्तों समेत एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, 32 बोर की एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और लूट का 5,70,000 रुपया भी बरामद किया गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, क्राइम ब्रांच की और सर्विलांस टीम सबके मदद से और कुछ एसपी संत कबीर नगर के सहयोग से वहाँ से भी हम लोगों को सपोर्ट मिला है, जिसके कारण कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें 4 अभियुक्त जो हैं और एक उसमें और अभियुक्ता है जो गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं और जो इसमें एक अभियुक्त अच्छे लाल है उसके पास से एक रिवॉल्वर 32 बोर का और जिंदा कारतूस 2 मिले हैं उसके पास, और जो हत्या में प्रयुक्त स्टेनर गाड़ी थी वो स्टेनर गाड़ी भी मिली है। महिला का क्या रोल है इस पूरे? महिला इसमें अच्छे लाल की वो बहन है और वो पैसे को इधर उधर छिपाने में और उसका वो तथ्य रहा है उसके साथ। तो पूरा मामला क्या खुल के आया, क्यों इन लोगों ने साजिश रचा था और कब से ये पूरा गेम चल रहा था? ये कुछ दिन पहले से ही प्लानिंग बनाए हैं और वो प्लानिंग केवल हत्या और लूट का ही था प्लानिंग, और उन्होंने उसको अंजाम दिया है। इसमें अभी 2 वांछित और हैं जिनके नाम आए हैं, जिसके लिए टीम लगी हुई है लगातार।